दीर्घ 23 वर्ष धरिकी ओडिशा रे कांग्रेस क्षमता रे नाही यहा ताकू जेती के बाधु नाही ताठ अधिक 10 वर्ष धरिकी देशर क्षमता रो कांग्रेस हटी जाइची यहा सबुठ बड कांग्रेस पाई वर्तमान संकट पालटी जाइची केवल जे कांग्रेस पाई नुहे बरम देशर जेते सब विरोधी राजनीतिक दल अच्छा भारतीय जनता पार्टी रो समस्त मन में दर्शबोध वर्तमान गोटे आक्रोश देखा कहीं राज्य 23 वर्ष धरिकी नवीन बाबू शासन करने फल कौन से एक छत्र शासन करुवा नजीर आप देखिपर ना ओडिया लोक को ओडावासी को हतोत्साहित कला भाई कौन से निष्पत्ति एजावत नवीन बाबू नहीं ना हाँ वर्तमान समय रे ओडिया अस्मिता को लेकिन प्रश्न उठू कहीं 5T अध्यक्ष नवीन ओडिशार अध्यक्ष वि कार्तिकेन पांड्यान को अधिक गुरुत्व दि जाऊँ कि लोकों मन में कि प्रश्न अच्छी कि द्वंद अच्छी या कि आक्रोश भी अच्छी विरोधी दल मध्य एक प्रसंग करने चाहते किंतु आजिका दिन में पांड्यान बाबू को लेकिन जो भय संचार हो पांड्यान बाबू कड़े नवीन बाबू को उत्तराधिकारी हो कि मुख्यमंत्री होजे जदि ताले ओडियां को ऊपर अण ओडियां जो राजनीति आहुरी अधिक बढ़ी ना ओडिया अस्मिता पूरा मूल पोछ हो जो संदेह जो भयटी जग्रत होजावत नवीन बाबू कौनसी जगार भी कही ना जे वि कार्तिकेन पांड्यान ही आसंता दिन में उत्तराधिकारी ओडिशार मुख्यमंत्री कर दिजिव एक कथा नवीन बाबू क्यों भी स्पष्ट भाव एजावत कही ना अर्थात कौन सी एभली निष्पत्ति नवीन बाबू 23 वर्ष भितर नहीं नहांती जहाँकि ओडावासी को कुठारघात कर किंतु अन्य पटे दर्शक बंधु 10 वर्ष क्षमता रे रही भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व नरेंद्र मोदी जो भाव एक छत्रवाद शासन कर जो भाव हिटलर ही शासन करुवा कथा बारंबार अभियोग करा जो भाव विभिन्न स्वायत्त व्यवस्था गुड़ी को दुर्व्यवहार करी विरोधी दल नेता मान को जो भाव आक्रोशमूलक भाव जेल हजत भितर को पठे दि यहा को लेकिन देशर समस्त राजनीतिक दल वर्तमान एक क्षोभ तेणुक मल्लिकार्जुन खड़गे आसिले कहले ये हूँ सब शेष सुजोग जदि यही समय आपण माने साहस न देखेबे जदि लड़े न करिबे जदि मैदान को न आसिबे ताहले आसंता दिन में आपण को आउ भोट दबापाई कौनसी सुजोग मिलिबो नाही भारतीय जनता पार्टी सरकार आउ केबे देशरे भोट करेबार से सुजोग ही देशवासी को दबो नाही ये देश कंटेस्ट कहे राज्य कंटेस्ट राज्य प्रसंगे ओडिया अस्मिता को लेकिन कथा कहे अर्थात दुईट जाक कथा राजनीतिक दृष्टिकोण ओडिशार राजनीतिक पाणीपा को दर्शबंधु दोहल आज जिते बड़े राहुल गांधी आसुचंती सारा भारत वर्ष बुलुचंती न्याय मागुचंती ओडिशा राजनीतिक परिवेश रे कांग्रेस विजु जनता दल सरकार ठारु जो न्याय आशा करुची से न्याय आधार रे राहुल गांधी किछि कहिबे ना नाही यह हूँ आजिका दिन में सबुठु बड़ प्रश्न कहीं तीन चार दिन राहुल गांधी ओडिशार विभिन्न प्रांत विभिन्न कोण अनुकोण को जिबे सेठी राजनीतिक पाणीपा केमती सरगरम हम जदि राहुल गांधी ओडिशा कंटेस्ट किछि न कहती ओडिशा राजनीतिक पाणीपा को लेकिन जदि किछि मुह न खोलती ताले कहा जीवो जे राहुल गांधी निर्वाचन पूर्वर विजु जनता दल साथी रे बा इंडिया गठबंधन रे आसंता दिन रे कुआडे नवीन बाबू आसीबे तेणुक राहुल गांधी चुपचाप फेरी गले आदि किसी कहती दर्शक बंधु एक कथा को आपण को धरी नाक पड़ो जे विजु जनता दल विपक्ष जदि किए लड़े कर जोरदार सहित सी हूँ कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी विजु जनता दल सहित लड़े करिबो नाई एक बारंबार आपन को कही भारतीय जनता पार्टी विजु जनता दल विपक्ष आउ
କୌଣସି ମତ ରଖିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ନିର୍ବାଚନ ବି ଲଢ଼ିବ ନାହିଁ। ଯଦି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କୌଣସି ହେଭିୱେଟ୍ ନେତା ଅଛନ୍ତି ବା ଯେକୌଣସି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯିଏ କେହି ବି ହେଉନା କାହିଁକି, ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଜଣେ ଦୁର୍ବଳ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ହଁ, ଲୋକସଭାରେ ସେ କହିଛନ୍ତି 15ଟି ଆସନ ନେବେ, ତେଣୁ ସେ 15ଟି ଆସନ ସେ ଯେମିତି ବି ହେଲେ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖେଇକି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଡରେଇ ଧମକେଇକି ସେ 15ଟି ଆସନ ନେବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବେ, କାହିଁକିନା ସେ ଦେଶର କ୍ଷମତାରେ ବସିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେଇ ଲୋକସଭା ଆସନ ତାଙ୍କର ନିହାତି ଦରକାର। ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି କହିବ ନାହିଁ, ଇଏ ଠିକ୍ କଥା। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ ଯାହାଙ୍କର କି 56 ଇଞ୍ଚର ଛାତି, ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିଦେଇଗଲେ ଯେ ଏଠି ଆମେ ଲଢ଼େଇ କରିବାର ନାହିଁ। ମୌଖିକ ଭାବେ ଯଦିଓ ନ କହିଲେ, ସେଭଳି ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇଗଲେ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯେତେ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ନେତା ଥିଲେ ସବୁ କୋମାକୁ ଚାଲିଗଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ମୁହଁରୁ ପଦୁଟିଏ କଥା ବାହାରୁନି। ସେମାନେ କ'ଣ କହିବେ, କେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ଯିବେ, କିଛି ବୁଦ୍ଧିବାଟ ଦେଖାଯାଉନି ସେମାନଙ୍କୁ। କାହିଁକିନା ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧିତ କଲେ, ଆଉ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ ଲଢ଼େଇ ହୁଏ କି କୋଟି ଦର୍ଶକ? ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରିବ ନାହିଁ, ଏ କଥା ଦର୍ଶକବନ୍ଧୁ ସ୍ପଷ୍ଟ। ଏହାକୁ ନେଇକି କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନାହିଁ। ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିପକ୍ଷରେ ଯଦି କଂଗ୍ରେସ ଲଢ଼େଇ କରିବ, ତାହେଲେ କେଉଁ ଆଧାରରେ, କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ, କେଉଁ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ନେଇକି କଂଗ୍ରେସ ଲଢ଼େଇ କରିବ, ଏହା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ 3 ଦିନ ଗସ୍ତରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ଯାହାକୁ ନେଇକି ଆସନ୍ତା ଦିନର 2024ର ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ସରଗରମ ହେବ, ଏହା ହିଁ ଆଶା କରାଯାଉଛି। ବିଚାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସୁନୀଲ ବାବୁ। ओडिशा में आज आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, आपने इतने प्यार से मेरा यहाँ स्वागत किया। नफरत के बाजार में आपने मोहब्बत की दुकान खोली। 2 मिनट में मैं आपको यात्रा के बारे में बताना चाहता हूँ। पिछली यात्रा हमने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की 4000 किलोमीटर की यात्रा पैदल की, देश को जोड़ने का काम किया और पूरे देश में जो नफरत का माहौल है उसके खिलाफ हमने यात्रा की और वो बहुत सफल यात्रा हुई। लाखों लोग हमारे साथ जुड़े। हमारे यहां भी ये लोग नफरत फैला रहे हैं, हमारे यहां भी लोग आदिवासियों की जमीन छीन रहे हैं, हमारे यहां भी अन्याय कर रहे हैं, अदानी को जमीन दी जा रही है, तो आपको यहां से भी आना चाहिए। अब मेरा लक्ष्य क्या है मैं आपको बता देता हूं। अगले 2-3 दिन में हम ओडिशा में होंगे। शाम को 15 मिनट ऐसा मेरा भाषण होता है। 7-8 घंटे हम ओडिशा की जनता की आवाज सुनने आए हैं। जो भी हमसे बात करना चाहता है, बहुत सारे लोग समस्या रखते हैं, किसान आते हैं, मजदूर आते हैं, दलित आदिवासी पिछड़े लोग आते हैं, किसी की लोकल इशू होती है। जैसे आज सुबह हम आ रहे थे, किसी के वहां पे जमीन का मामला था, सरकार ने उनकी जमीन छीन ली थी, तो हमने वहां पे उनका मामला सुलझा दिया, ठीक कर दिया। तो हमारी कोशिश रहती है कि आप जो भी कहना चाहते हो, आपके दिल में जो दर्द है वो आप हमें कहो। दर्शक